अहो रूपम हो स्वरम, हम लोग एक खिस्सा है ना, एक दंगाई और एक भ्रष्टाचारी एक दूसरे को अच्छा कहेंगे, इसके सिवा और क्या कह सकते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो समाजवाद के पुरोधा है। जिस तरीके से जो लगातार जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो उनका परिवार कहीं नहीं दिखता है, और इसी का उदाहरण नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो समाजवाद के असली नेता हैं, बाकी जो समाजवादी नेता हैं वो परिवारवाद कर रहे हैं। इसका जवाब जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि एक दंगाई जो है वो दूसरे को तो जो सामाजिक न्याय के जो पुरोधा है वो तो बताएगा ही, एक दंगाई है। और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री को लेकर जो जगदानंद सिंह है उन्होंने कड़े तेवर अपनाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक आरएसएस को जो दंगा करवाता है, और नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा है कि जिस तरीके से एक दंगाई है और दूसरा जो है वो बिहार को बर्बाद करने में लगा है, इस तरीके की बात जगदानंद सिंह ने कही है। और साथ ही साथ दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर भी जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। सुनिए वो बयान। करीब करीब जो यहाँ तक मैं समझता हूँ वो कार्यक्रम तय होने के बाद पूरा कार्यक्रम शेड्यूल आपको मिल जाएगा, लेकिन आगामी अक्टूबर तक, इसलिए कि ये 22 और 25 का निर्वाचन है, 19 और 22 का खत्म हो चुका है, तो 22 के खत्म होने के बाद जो 22 और 25 का 3 साल का होगा वो मैंडेटरी है कि हम नए चुनाव को करा लें। आज क्या कार्य समिति की बैठक है जगदानंद सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपकी शिरकत करेंगे क्या? प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जिसके बारे में आप सब चिंतित हैं, और आप लोगों ने इस तरह से एक माहौल बना दिया कि कोई विशेष कार्यक्रम के लिए बैठक हो रही है। ये हमारी बैठक है जो पूरी हमारे अब नई निर्वाचन की प्रक्रिया सदस्यता से लेकर के राष्ट्रीय स्तर का जो निर्वाचन होगा, संविधान हमारा है और संविधान के आधार पर ही सभी लोग चलते हैं, और संविधान की स्वीकृति व्यक्ति नहीं देता, कार्यकारिणी नहीं देती, जो हमारी राष्ट्रीय परिषद है वो देती है। और राष्ट्रीय परिषद सर्वोच्च संस्था है जो निर्वाचित होती है आम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसका कार्यक्रम कैसे तय हो? एक कार्यक्रम तय करने का राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यता अभियान से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के जो शेड्यूल्स हैं उसको तय करेगी, और आज के बाद जब हमारा चुनाव पदाधिकारी तय हो जाएगा तो ये सारी क्रिया संगठन के अंतर परिवर्तन का सारा मामला चला जाता है निरीक्षण करने का, चुनाव पदाधिकारी राष्ट्रीय जो होंगे और आम कार्यकर्ताओं के हाथों में। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा समाजवादी नेता बताया, इसे कैसे देखते हैं? अहो रूपम हो स्वरम, हम लोग के खिस्सा है ना, एक दंगाई और एक भ्रष्टाचारी एक दूसरे को अच्छा कहेंगे, इसके सिवा और क्या कह सकते हैं।